सो हे गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो सबसे पहले बात करेंगे ठगे शो के बारे में। ठगे शो का 7th एपिसोड शूट हो चुका है एंड टीजर भी आउट हो चुका है। तो गेस्ट के रूप में मोर्टल स्काउट एंड 8-bit ठग आए हैं, आप देखिए। सो गाइस, प्लीज वेलकम द ओजीज ऑफ गेमिंग, स्काउट, मोर्टल एंड 8-bit ठग। स्काउट भाई, बाय द वे, पबजी अनबैन हुआ, काफी अच्छा हुआ। मैं वही सोच रहा था, अगर अनबैन नहीं होता तो आपको घर का ब्लॉग वापस डालना पड़ता। भाई रोस्ट कर रहे, क्या पता कौन से करियर में फेल हो के यहाँ आना पड़ा होगा, तो पता नहीं होगा ना। तो मुझे थोड़ी पता गेमर हो क्या हो। हाँ मतलब जैसे बहुत लोग फुटबॉल के करियर में फेल हो गए। मैं 6 फीट का मॉडल नहीं था ना पहले। व्हाट इफ यू वेयर अ मी। मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। करण जौहर की मूवीज में नाम होते हैं ना, वैसे लग रहे हैं। करण जौहर की मूवीज में साइकिल चलाने वाले महेश होते हैं। अभी भी हॉस्पिटल में ही है, उनसे मिलने बहुत लोग जा रहे हैं। मनीषा रानी, आलिया सिद्दीकी और आशिका भाटिया एंड बेबिका भी गई, बट एलिश अदम नहीं गए, जिसको लेकर फुकरा इंसान के दोस्त जासूस किंग काफी नाराज दिख रहे हैं, आप देखिए। भाई बिग बॉस खत्म, भाईचारा खत्म, और ऐसा भाईचारा भाई मैंने पहली बार देखा है कि बंदे से इंसान हॉस्पिटल में मिलने तक नहीं आया। तो ऐसे भाईचारे को सलूट है भाई। बेबिका तक भी यार अभिषेक भाई से मिलने गए हॉस्पिटल में, और भाईचारा अभी तक ऑन द टॉप ही बोलेंगे। भाईचारा एक नंबर भाई, एक नंबर भाईचारा है। इसी का रिप्लाई एलविश यादव अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे दिया, आप देखिए। गाइस, सोशल मीडिया पे एक चीज काफी फैल रही है, एक चीज नहीं बल्कि काफी चीजें फैल रही हैं कि एक तो एक दूसरे को नीचा, कहीं मेरी बुराई, कहीं अभिषेक की बुराई, क्या भाईचारा खत्म, ऐसा कुछ नहीं है भाई। और कई लोग एक चीज पॉइंट आउट कर रहे हैं कि सब लोग हॉस्पिटल में मिलने गए, आप क्यों नहीं मिलने गए। भाई तुमने देखा होगा, मैं इस 4 दीवारी में बंद हूँ, अपनी मर्जी से तो मैं बंद रहूंगा नहीं, क्योंकि जहां से मैं आया हूँ वो वहां से बंद और यहाँ भी बंद। ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस बिग बॉस वालों ने ही मुझे इधर रखा हुआ है, और खास बोला हुआ है कि आप नहीं जा सकते। मेरे को कोई शौक नहीं है, मैंने अभी फोन पे उससे बात भी करी, उसने बोला कि मैं डिस्चार्ज हो गया, और उस मैं आज जाने वाला था क्योंकि आज मेरे को कई मीटिंग्स थी सिक्योरिटी के साथ, बहुत सारी चीज़ें मुझे आज करनी थी, बट उन्होंने बोला कि मैं डिस्चार्ज हो गया, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो मैं कहा डायरेक्ट वहीं पर मिलूंगा मैं आके, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोकॉल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। अब सारी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, तो उस चीज़ को प्लीज़ नेगेटिवली ना लिया जाए, और किसी के प्रति कोई हेट ना फैलाई जाए। थैंक यू।